Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज इस स्पेशल सेशन में हम एक पेपर पे डिस्कशन करने वाले हैं। स्पेशली एक मॉक पेपर मैंने आपके एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन किया है। कहीं ना कहीं हम उस पर्टिकुलर मॉक पेपर पे भी डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। आज के सेशन में हमें कुछ धमाकेदार से एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल टिक के बैटिंग करनी है। जो भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आपको बताए जाएं, याद रखिए वो अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो दिमाग में रखिए कि सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स जो भी नए मिले उनको लिख लीजिए। कोई भी नया वर्ड आपको मिले उसका मीनिंग तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम में जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के थ्रू हम क्या खास लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले आज के अगर मैं सेशन की बात करूं तो सबसे पहला सेक्शन मेरा आपका हम सबका फेवरेट सेक्शन हमारे सामने आ चुका है, दैट इज नोन एज एरर डिटेक्शन। आइए देख लेते हैं एरर डिटेक्शन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, किस तरह से कॉन्सेप्ट्स हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हमें उन्हें टैकल आउट करना है। सो आर यू रेडी गाइज, क्या सभी रेडी हैं, शुरू किया जाए? यस और नो, आर यू रेडी, शुरू करें? चल। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इट इज मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और उड़ा दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, टिक के बैटिंग करनी है। प्यारा सा क्वेश्चन, देखो बेटर अपने आप में कंपरेटिव डिग्री है और मोर का यूज हम तब करते हैं जब हम कंपरेटिव डिग्री बना रहे होते हैं। जो भी थ्री और मोर सिलेबी वर्ड्स होते हैं उनको हम कंपरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का यूज करते हैं, क्योंकि ईआर लगा के उनका कंपरेटिव बनता नहीं। ठीक है, सो अब थ्री और मोर सिलेबी वर्ड्स, मतलब वैसे मैं इसके ऊपर डिस्कशन पहले कर चुका है एडजेक्टिव टॉपिक में। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, जहां पे वोवेल साउंड्स थ्री और मोर होते हैं उनका हम क्या करते हैं, मोर लगा के कंपरेटिव बनाते हैं, ना कि ईआर लगा के। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, ठीक है, तो ईआर लगा के तो नहीं बनेगा ना, ब्यूटीफुलर या हैंडसमर, ये तो गलत हो जाएगा। मोर ब्यूटीफुल और मोर हैंडसम हो सकता है। सेम कंडीशन, तो बेटर तो ऑलरेडी कंपरेटिव डिग्री है, क्या हम डबल कंपरेटिव्स का यूज एक साथ करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मोर का यूज गलत है। यहाँ पे इट इज बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे मोर बेटर किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। मोर बेटर हमें मिल रहा है ऑप्शन थ्री। अक्सर ये होता है कि एग्जाम में हम जल्दी जल्दी में रहते हैं और इसी पॉइंट पे हम क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, हमने नीचे नहीं देखा, हमने ऊपर देखा, फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट पिक करके चले आ गए। मतलब हमने ये ऑब्जर्व भी नहीं किया, देखा भी नहीं, आइडेंटिफाई भी नहीं किया कि भाई वो ऑप्शन नीचे नहीं है फर्स्ट, जो हमें यहाँ फर्स्ट मिल रहा है नीचे वो थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप ऑप्शंस पे फोकस करिए। आप अगर ऑप्शंस पे फोकस करेंगे तभी आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंच पाएंगे, वरना सही करते हुए भी कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे, द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट इन वन पंच। अब यहां पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को तो हमें क्या बीमारी दिख रही है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल फर्स्ट बॉल पे सभी का सिक्सर लग रहा है, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड,
अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है ये पैसिव स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? पैसिव स्ट्रक्चर है। और पैसिव स्ट्रक्चर की खासियत ये होती है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ V3 मिलता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो नॉकिंग आउट तो होने का चांस ही नहीं। नॉकिंग आउट को हमें नॉक्ड आउट से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मीन्स अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या जाने वाला है? द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉक्ड आउट इन वन पंच, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। और जिस पार्ट में हमें नॉकिंग आउट मिल रहा है ना, वही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट में मिल रहा है और सेकेंड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर है। जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब गारंटी प्रोग्राम हैज रिजल्टेड इन अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन पॉवर्टी। एक बार देखिए क्या क्या बताना चाहता है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है? सक्सेस किस चीज की? सक्सेस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब गारंटी प्रोग्राम्स की जो सक्सेस है उसका रिजल्ट क्या हुआ? हैज रिजल्टेड इन अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन पॉवर्टी। इससे क्या हुआ? पॉवर्टी में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई, गरीबी में काफी ज्यादा कमी आई, कुछ ऐसा बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट के थ्रू। एक बार देखिए किस पार्ट में प्रॉब्लम दिख रही है आपको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके देखो गवर्नमेंट स्पॉन्सर जॉब गारंटी प्रोग्राम, गवर्नमेंट स्पॉन्सर होगा या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होगा, पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत है या नहीं है? द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब गारंटी प्रोग्राम हैज रिजल्टेड इन अ ड्रेस्टिक ड्रॉप इन पॉवर्टी। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड आर आंसर वुड बी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है, बिल्कुल प्यार से। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रीजन जैनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज बिकॉज शी हैड बीन टोल्ड इट वॉज अ कॉस्ट्यूम पार्टी। देखिए किस पार्ट में बीमारी दिख रही है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। एक चीज ध्यान से समझो, प्यार से बिल्कुल स्ट्रक्चर को देखो, क्या समझ आ रहा है? जब मैंने रीजन का यूज कर दिया, जब मैंने रीजन का यूज कर दिया तो आगे के क्लॉज में मुझे बिकॉज लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। रीजन का यूज कर दिया तो आगे के क्लॉज में बिकॉज नहीं लगेगा, दैट से स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, द रीजन जैनेट, जैनेट पर्सन का नाम है, महिला का नाम है या लड़की का नाम है, ऐसे समझ सकते हैं। द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज दैट शी हैड बीन टोल्ड इट वॉज अ कॉस्ट्यूम पार्टी। मतलब जेनेट जो थी उसने अपने आप को ड्रेसअप किया कैसे? लेडी गागा की तरह। क्यों? क्योंकि उसे बताया गया था ऐसा कि ये क्या है, एक कॉस्ट्यूम पार्टी है, कुछ ऐसा। जिस पार्ट में हमें बिकॉज मिल रहा है वही हमारा आंसर है, और हमें फर्स्ट पार्ट में ही बिकॉज का यूज मिल रहा है, जो 100% हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। सो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं ना, सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन फंड एलोकेशन इज बीन डबल्ड। स्टेटमेंट को देख के, स्ट्रक्चर को देख के ही समझ आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। एक बार देखो और उड़ा दो, हलवा सा क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वेरी गुड। वी नो इट वेल दैट इज के साथ बीन नहीं आता। एक चीज और है, स्ट्रक्चर पैसिव का है ये हमें समझ आ रहा है, लेकिन फंड एलोकेशन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर यूनिट है, इज बीन की जगह पे हम हैज बीन का यूज कर सकते हैं। इज बीन की जगह पे हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हैज बीन का यूज कर सकते हैं। भाई इज एम आर के साथ बीन तो नहीं आता ना, सीधी सी बात है। दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन फंड एलोकेशन हैज बीन डबल्ड। इज बीन डबल्ड की जगह हैज बीन डबल्ड आ जाएगा, और अगर हैज बीन डबल्ड आएगा तो आंसर क्या जाएगा हमारा, हैज के साथ बीन फिर डबल्ड का यूज कर रहे हैं, हमारा आंसर क्या जाने वाला है, किस पार्ट में मिल रहा है, इज बीन हमें फर्स्ट पार्ट में मिल रहा है। वैसे स्ट्रक्चर में देखें तो वो फोर्थ पार्ट है, लेकिन ऑप्शंस में देखें तो ए पार्ट है हमारा आंसर, और यही हमारा 100% करेक्ट आंसर जाएगा। जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। द सोल आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स आर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग माइंड्स ऑफ आर नेशन। एक बार देखिए, अमंग यंग माइंड्स ऑफ आर नेशन। एक बार देखिए क्या बीमारी दिख रही है, और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। अच्छा, इस स्टेटमेंट को देख के हमें क्या समझ आ रहा है, प्यार से समझना। दिस सोल आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स आर, एक्चुअल सब्जेक्ट तो सोल आइडिया है ना, सोल आइडिया, और ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। अगर मैं सोल आइडिया की बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आने वाला आगे वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। मतलब आर को मुझे इज से रिप्लेस करना पड़ेगा तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा, और स्ट्रक्चर क्या जाएगा, द सोल आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यंग माइंड्स ऑफ आर नेशन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है, थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं, वैसे थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट तो क्वेश्चन में है, और ये पार्ट मिल किस में रहा है, आर वाला पार्ट, यहां देखो ये मिल रहा है फोर्थ पार्ट। देखो ऐसी गलतियां होती हैं, हमने देखा आंसर मिल गया, पिक किया, आगे बढ़ गए, और ऑप्शन में क्या किया, जंबल्ड फॉर्म में करके लिख दिया ऑप्शन को। सीधे सीधे भी तो ऑप्शन लिख सकता है ना, कि फर्स्ट वाला यही वाला लिख दिया, सेकंड वाला यही वाला, थर्ड वाला ये किया क्यों जा रहा है, बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे, ऑब्जर्व करिए इस चीज को। एक्चुअल में इनको करवाना है हमारा आंसर गलत, सीधी सी बात है, तो आंसर गलत करवाने का ही ये एक तरीका है कि ऑप्शन को भी जंबल्ड फॉर्म में स्टेटमेंट के लिख दो, जिसमें यहां भी एस्पिरेंट थोड़ा सा दिमाग लगा के ही करे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ गए ना। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओइंग द न्यू पॉलिसी वी फील दैट द टारगेट सेट फॉर दिस ईयर मे नॉट बी अचीव्ड। एक बार देखो प्यार से क्वेश्चन को और पिक करो अपना आंसर, प्यारा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। ओके, ओइंग द न्यू पॉलिसी, मतलब न्यू पॉलिसी की वजह से वी फील, हम ऐसा फील कर रहे हैं,
दैट टारगेट सेट फॉर दिस ईयर मे नॉट बी अचीव, मतलब जो टारगेट इस ईयर के लिए सेट किए गए हैं वो अचीव नहीं किए जा सके, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि वोइंग के बाद हमें टू का यूज करना होता है तब ये फ्रेज कंप्लीट होता है। ओइंग टू द न्यू पॉलिसी वी फील दैट टारगेट्स सेट फॉर दिस ईयर मे नॉट बी अचीव्ड, कुछ ऐसा। एक्चुअल आंसर हमारा जाएगा, ये ओइंग जिस पार्ट में मिल रहा है वही हमारा आंसर जाएगा, फर्स्ट नहीं बोलेंगे हम। अब हम ये देखेंगे ओइंग टू मिल किस ऑप्शन में रहा है, और देखो यहाँ पे ऊपर दो फर्स्ट पार्ट में है लेकिन ये किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। अब एक बार देखिए किस पार्ट में बीमारी दिख रही है, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हलवा सा क्वेश्चन है, वैसे 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है हार्डली। वेरी गुड, मच का यूज हम जनरली कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के पहले भी करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स के पहले भी करते हैं, ठीक है, और साथ में अनकाउंटेबल नाउंस के पहले करते हैं। बेसिकली मच इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, और अगर हम बात करें मैनी इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अगर हम पीपल की बात कर रहे हैं तो पीपल तो काउंटेबल काउंटेबल यूनिट काउंटेबल नाउन है, तो अब इस मच को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, मैनी से, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। और जो भी एस्पिरेंट्स हमारे पिक कर रहे हैं मच वाला पार्ट कौन सा है, सी वाले पार्ट में हमें मच मिल रहा है, तो वो एस्पिरेंट्स 100% करेक्ट है, उनका आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आर डायरेक्शन, प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दे आर कमिंग स्ट्रेट टू आर डायरेक्शन। वेरी गुड। अच्छा अगर हम यहां पे देखें तो वो आर है हमारे डायरेक्शन में, तो स्ट्रेट टू आर डायरेक्शन होगा और स्ट्रेट इन आर डायरेक्शन होगा। सोच के देखो, टू का यूज यहां पे इस स्ट्रक्चर के बेस पे तो सुपरफ्लुअस हो रहा है ना, तो दे आर कमिंग स्ट्रेट इन आर डायरेक्शन, मतलब वो सीधे सीधे हमारे डायरेक्शन में आ रहे हैं, कुछ ऐसा। स्ट्रेट टू को हमें इनसे रिप्लेस करना पड़ेगा, और स्ट्रेट टू हमें किस पार्ट में मिल रहा है, फर्स्ट पार्ट में मिल रहा है। स्ट्रेट टू को हम स्ट्रेट इन से रिप्लेस करेंगे और हमारा आंसर 100% जाने वाला है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टूडे, प्यारा सा क्वेश्चन, एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड।
स्कूल पहुंचने वाला आज मैं फर्स्ट था। देखो जितनी भी ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल्स मतलब जो ऑर्डर को बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट, ये जितने भी ऑर्डिनल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लास्ट, इन सब के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। मतलब इन सब के पहले हमें क्या यूज करना है, द का यूज करना है, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। आई वॉज फर्स्ट नहीं हो सकता, आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द स्कूल टूडे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट को के पहले हमें द का यूज करना पड़ेगा, तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। और इस बेस पे अगर हम देखें तो आंसर हमारा जाने वाला है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, पर्दे खुल चुके हैं और अगला सेक्शन हमारा वेट कर रहा है भाई। अगला जो सेक्शन है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे हैं और हमें उन्हें कैसे टैकल आउट करना है, जान लेते हैं, देख लेते हैं इडियम्स से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस हमें अभी प्रेजेंट में देखने के लिए मिल रहे हैं। सो आर यू रेडी गाइस, क्या सभी रेडी हैं, शुरू किया जाए? यस ऑर नो, सभी रेडी हैं, शुरू करें। एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर देना है भाई, सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। चल तो पहला क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस से और इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 11, क्या होगा इस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग, दैट इज बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। हिंदी में बोलते हैं साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से। तो बाय हुक और बाय क्रुक को आप रिलेट कर सकते हैं किससे, इन वॉट एवर वे वन कैन, किसी भी तरह से। अब जरूरी नहीं है वो इविल और डिस्ट्रक्टिव वे ही होगा, इनसेन मैनर ही होगा, टेनिशियस, वेरी टेनिशियस मतलब तन्य होता है, ठीक है। तो इन सबका कोई ऑप्शन चांस ही नहीं है, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से किसी काम को करना है उसको हम रिलेट कर सकते हैं बाय हुक और बाय क्रुक से। तो एक्चुअल आंसर हमारा जो जाने वाला है दैट वुड बी बी पार्ट, सेकंड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, फॉर गुड। अब फॉर गुड का मीनिंग क्या होने वाला है ये आपको बताना है, लाइक ही लेफ्ट द इंडिया फॉर गुड। अब ये फॉर गुड का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। जो मैंने सेंटेंस बोला है ना, ही लेफ्ट द इंडिया फॉर गुड, ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, ऐसा कुछ, इसमें सोचो इसका मीनिंग इस स्ट्रक्चर के बेस पे क्या हो सकता है। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, फॉर गुड का मीनिंग क्या होगा, फॉर गुड कॉज, अच्छे कॉज के लिए उसने इंडिया छोड़ दिया, कुछ ऐसी बात हो रही होगी, ऐसा लगता है हमें, लेकिन गलत है। फॉर गुड का मतलब क्या होता है कि हमेशा के लिए, फॉर गुड को आप फॉरएवर से रिलेट कर सकते हैं, फॉर गुड को आप फॉरएवर से रिलेट कर सकते हैं और इसका मीनिंग हो जाएगा परमानेंटली, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा परमानेंटली। अब टेम्पररीली सीरियसली ये सब गलत हो जाएगा, आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाने वाला है, फॉरएवर होता वो भी सही होता है, ठीक है। आंसर हमारा जाएगा ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, मतलब ही लेफ्ट इंडिया फॉरएवर, उसने हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दिया, कुछ ऐसी बात हो रही है। सो आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सेक्शन आ रहा है भाई, स्वागत करो सिनोनिम्स का।
सिनोनिम से रिलेटेड कुछ धमाकेदार से क्वेश्चंस के लिए सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? यस और नो? तो शुरुआत कर देते हैं सिनोनिम से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस की। रेक्टिफाई बहुत ही प्यारा वर्ड है, रेक्टिफाई करना। अब रेक्टिफाई का मीनिंग क्या होने वाला है? अपना स्कोर नोट करते रहे ना, कितना करेक्ट कर रहे हो, कितना रॉन्ग कर रहे हो, पूरा स्कोर करेगा नोट करते रहे ना, लास्ट में मेंशन करना, कमेंट बॉक्स में बताना कितना स्कोर किया आप लोगों ने। अब यहाँ पे रेक्टिफाई करने के लिए सिनोनिम क्या होगा? डायरेक्ट, रिकॉर्ड, अंडू, करेक्ट, क्या होना चाहिए आंसर? फटाफट देखो और पिक करो। प्यारा सा क्वेश्चन है, रेक्टिफाई करना। देखो रेक्टिफाई कर रहे हैं मतलब करेक्ट कर रहे हैं। रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट, रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट। अब डायरेक्ट, रिकॉर्ड, अंडू, ये सब तो गलत हो जाएंगे, आंसर हमारा डी पार्ट जाएगा, और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है। वेरी गुड। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का सिनोनिम चाहिए हमें। चलो मीनिंग पे मैं फिर बात करता हूँ, पहले आप बताओ डिस्पैरिटी का मीनिंग क्या होता है और इसका सिनोनिम क्या होगा। पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। ओके, देखो डिस्पैरिटी को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब होता है असमानता। डिस्पैरिटी मीन्स वॉट? असमानता। तो अब डिस्पैरिटी का मीनिंग असमानता होता है, असमान से रिलेट कर सकते हैं। तो इनइक्वलिटी तो सीधे सीधे इसका सिनोनिम हो जाएगा। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता होता है। एनिमिटी मतलब दुश्मनी हो गया। सेग्रीगेशन मतलब छांटना हो गया, समझ रहे हो ना, छांटना क्या, लाइक अच्छी अच्छी चीज को निकालना, अलग करना, खराब चीज को अलग करना। टमाटर खरीदने जाते हो ना तो सेग्रीगेट करते हो उसमें से टमाटरों को। मार्केट वगैरह में जाओ, पॉली पकड़ा देता है हाथ में, कहता है कुछ छाट लो। वो क्या कर रहे होते हैं लोग? सेग्रीगेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये उसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन। आंसर हमारा बी पार्ट जाएगा, इनइक्वालिटी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं एमिलियोरेट, बहुत ही प्यारा वर्ड है। एमिलियोरेट वर्ड का सिनोनिम क्या होगा ये बताइए। एमिलियोरेट वर्ड का सिनोनिम क्या होगा ये बताना है आपको, फटाफट देखो और उड़ा दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके, बेसिकली एमिलियोरेट का मीनिंग होता है सुधारना, सुधार करना, पहले से बेटर करना, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं एमिलियोरेट को। तो टू प्रीज, टू बिकम इल, टू अवॉइड, कोई चांस नहीं है, टू मेक बेटर, सीधे सीधे इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक बेटर। तो सिनोनिम आपका जो चला जाएगा, जो इसका मीनिंग चला जाएगा, दैट वुड बी थर्ड पार्ट, टू मेक बेटर, सुधारना या सुधार करना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सेक्शन आ रहा है भाई स्पेलिंग एरर्स का। सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं, शुरू किया जाए? यस और नो? सभी रेडी हैं, शुरू करें। चल, तो क्लेप्टोमैनियक बहुत ही प्यारा वर्ड है। क्लेप्टोमैनियक मतलब चोरी करने की जो अंदर से तीव्र इच्छा होती है ना, चोरी करने की आदत को हम क्लेप्टोमैनियक से रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, आदत होती है चोरी करने की, भले ही जरूरत ना हो, आदत है, अच्छा लगता है अंदर से, अच्छा फील करते हैं, अच्छे हार्मोन्स अंदर से रिलीज होते हैं जब चोरी करते हैं, अच्छा फील करते हैं, समझ गए ना। तो वो जो आदत होती है ना चोरी करने की, जो अंदर से अच्छा फील करते हैं चोरी करके, छोटी छोटी चीजों को चुरा के,
तो उसको हम क्लेप्टोमैनिक से रिलेट कर सकते हैं। देखिए, पिक करिए अपना आंसर, क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग क्लेप्टोमैनिक का। 3 ऑप्शंस आपके रॉन्ग हैं, एक ही करेक्ट। वेरी गुड। अच्छा, बेसिकली अगर हम देखें तो क्लेप्टोमैनिक को अगर हम रिलेट करें, प्यार से समझना इस चीज को, तो शुरू तो कैसे ही होगा, तो सी से तो शुरू वाले ऑप्शन ही करेक्ट रॉन्ग हो गए। क्लेप्टोमैनिक मतलब ई यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, और बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग आपकी जाएगी फर्स्ट वाली, के एल ई पी टी ओ एम ए एन आई ए सी, क्लेप्टोमैन। चल आगे बढ़ जाते हैं। प्योस पवित्र से रिलेट करता है। प्योस एक बार देखिए करेक्ट स्पेलिंग क्या होने वाला है, प्यार से देखिए और पिक करिए अपना आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन, ओके। प्योस को अगर हम रिलेट करें तो एक्चुअल इसका मतलब पवित्र हो गया, ठीक है, और इसका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, दैट वुड बी बी पार्ट, पी आई ओ यू एस, पी आई ओ यू एस, आंसर हमारा बी पार्ट जाएगा, सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। ओमिटेड, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है ओमिटेड, ओमिट करना, विलोप करना, लोप करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। एक बार देखो क्या होगा आपका करेक्ट स्पेलिंग ओमिटेड का, और पिक करो अपना आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। ओमिटेड को अगर हम रिलेट करें तो ओमिट का मतलब होता है एक टाइप से विलोप करना, लोप करना, कुछ ऐसे आप ओमिटेड को रिलेट कर सकते हैं। और ओमिटेड का जो करेक्ट स्पेलिंग जाएगा ओ एम आई डबल टी ई डी, ओमिटेड मीन्स हमारा डी पार्ट 100% करेक्ट आंसर होगा। बाकी ए बी सी तीनों की तीनों स्पेलिंग्स क्या है, रॉन्ग है, गलत। आंसर डी पार्ट जाएगा, और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। डिस्क्रिपेंसी बहुत ही प्यारा वर्ड है, जालसाजी से रिलेट कर सकते हैं डिस्क्रिपेंसी को। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, सारे ही तो देखने में करेक्ट लग रहे हैं, देखो क्या करेक्ट होने वाला है, और पिक करो अपना आंसर। डिस्क्रिपेंसी, प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके अच्छा, अगर मैं डिस्क्रिपेंसी वर्ड की बात करूं तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग आपका जाएगा, दैट वुड बी ए पार्ट, डी आई एस सी आर ई पी ए एन सी वाई, डिस्क्रिपेंसी, ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और बाकी की सारी स्पेलिंग्स आपकी रॉन्ग है। यहाँ पे ई का यूज मिल रहा है जो गलत है, यहाँ पे डी के बाद ई मिल रहा है जो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, और बाकी अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पे ई है ही नहीं, ठीक है, आई लगा हुआ है आर के बाद तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला डेफिनेट, बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये वर्ड्स कई बार आ चुके हैं, मैं आपको सच बोलूं तो एग्जाम में इस तरह के वर्ड्स कई बार आ चुके हैं। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। डेफिनेट करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, डेफिनेट का करेक्ट स्पेलिंग क्या होने वाला है। ओके
डेफिनेट को हम निश्चित से रिलेट कर सकते हैं, डेफिनेट मीन्स निश्चित हो गया, ठीक है। और डेफिनेट के लिए जो आपका करेक्ट स्पेलिंग जाएगा 100% दैट वुड बी बी पार्ट, बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, डी ई एफ आई एन आई टी, डेफिनेट बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। पर्दे खुल रहा है और अगला सेक्शन हमारे सामने आ रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन फिलर्स आस्क इन योर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। सो आर यू रेडी गाइस? क्या सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। सो फिलर से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड, ओके। देयर आर मैनी फिलोसफर्स, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस हु क्लेम दैट दे आर सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, फिलोसफर्स हैं, जो ये मानते हैं कि वो सिटीजन्स हैं किसके, वर्ल्ड के। वो अपने आप को किसी स्पेसिफिक कंट्री का सिटीजन नहीं मानते, बल्कि इस वर्ल्ड को एक मानते हैं और इस वर्ल्ड का सिटीजन मानते हैं अपने आप को, और सही भी है कहीं ना कहीं। चल आंसर हमारा बी पार्ट जाएगा। अब यहाँ पे बींग्स, पीपल्स, फैमिलीज, ये तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई कांट मेक बोथ एंड्स डैश ऑन माय स्मॉल सैलरी। अब यहाँ पे मीट, यूनाइट, ज्वाइन और टच, एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। बेसिकली जो फ्रेज होता है दैट इज मेक बोथ एंड्स मीट, एक्चुअल में ये आपका फ्रेज होता है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब गुजारा करना, गुजर बसर करो, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। सो आई कांट मेक बोथ एंड्स मीट ऑन माई स्मॉल सैलरी, मतलब मैं अपनी छोटी सी सैलरी पे गुजारा नहीं कर सकता, कुछ ऐसा बोल रहा है ये पर्सन। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा लास्ट में आपको मीट ही मिलेगा, तभी ये फ्रेज आपका कंप्लीट होगा और आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है। यूनाइट, ज्वाइन, टच, ये सब गलत हो जाएगा और आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। आफ्टर बीइंग गिवन डैश वार्निंग्स फॉर डिसरप्टिंग क्लास, थॉमस वॉज फाइनली सेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्यारा सा क्वेश्चन है, पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड, आगे हैं वार्निंग्स, कई वार्निंग्स दी गई और फाइनली थॉमस को भेज दिया गया प्रिंसिपल के ऑफिस में। अब सिंगुलर वार्निंग्स, लोन वार्निंग्स, यूनिक वार्निंग्स, ये गलत हो जाएगा ना। न्यूमरस वुड बी देयर, कई वार्निंग दी गई ना, तो न्यूमरस वार्निंग्स। आफ्टर बीइंग गिवन न्यूमरस वार्निंग्स फॉर डिसरप्टिंग क्लास, थॉमस वॉज फाइनली सेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिस्टर बोस डैश वर्किंग इन द बैंक फॉर द लास्ट 15 इयर्स। अब यहाँ पे विल बी, हैव बीन, टू बी, हैज बीन, क्या होना चाहिए आंसर? फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर।
ओके अब यहाँ पे हैज बीन से सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं, मिस्टर बोस वॉज वर्किंग इन द बैंक फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, सिंगुलर है पर्सन। आगे बढ़ जाते हैं, डैश पिंकी वॉज प्लेइंग क्रिकेट शी फेल डाउन एंड हर्ट हरसेल्फ, क्या होना चाहिए आंसर 25 के लिए। अब एक काम हो रहा था उस दौरान दूसरा काम हुआ, जब पिंकी खेल रही थी तो वो गिर गई और उसे चोट लग गई, कुछ ऐसा। किससे रिलेट कर सकते हैं, एज सिंस वाइल एज सून एज, सीधे सीधे वाइल से रिलेट कर सकते हैं, वाइल पिंकी वॉज प्लेइंग क्रिकेट शी फेल डाउन एंड हर्ट हरसेल्फ। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, होमवर्क आपके सामने, स्क्रीनशॉट लो, सभी को फिलर का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, दोनों को ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चंस पे। आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट, आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा, तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे कल शाम 7 PM पे 7 बजे यहीं इसी महंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.